हेलो दोस्तों, मैं ईशान, डिलाइट मोटिवेशन में आपका स्वागत है। और आज आपसे मैं बात करूंगा बाज की कहानी के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। दोस्तों, बाज एक बहुत ही बड़ा पक्षी होता है और बाज की उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास होती है। लेकिन बाज को भी चुनौती का सामना करना पड़ता है। कुदरत केवल हमें परेशानी या हमें तकलीफ या हमें पेन नहीं देती, पक्षी और पशु दोनों को पेन भी देती है। बाज जब 40 साल के आसपास की उम्र का हो जाता है तब उसे एक चुनौती भरी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जब बाज 40 साल का हो जाता है तो उसके जो नाखून है, उसकी जो चोंच है, उसके जो पंख है, वो बेअसर होने लगते हैं। यानी कि जो चोंच है वो आगे की ओर मुड़ जाती है, जिससे उसे खाने में तकलीफ होती है। उसके जो नाखून है वो लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को पकड़ने में उसे जो पकड़ होती है वो ढीली हो जाती है, जिससे वो शिकार नहीं पकड़ पाता है। और उसके जो पंख है वो उससे सीने से चिपकते रहते हैं, नजदीक रहते हैं, इसके कारण वो खुलकर उड़ नहीं पाता है। तो ऐसे ही परिस्थिति में बाज के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो शरीर छोड़ दे या फिर गिद्ध की तरह पड़े हुए मांस पर ही निर्भर रहे। और दूसरा रास्ता होता है कि वो अपने आप को फिर से स्थापित करे। हालांकि पहला रास्ता सरल है लेकिन और दूसरा रास्ता पीड़ादायक वाला है, लेकिन हर बाज वो दूसरा रास्ता चुनता है, वो पीड़ा चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कुछ पाना है तो आहुति तो देनी पड़ेगी। उसके लिए फिर वो चला जाता है जहाँ भी जो पर्वत होता है उसकी चोटी पर चला जाता है और फिर वहाँ पे अपना घोंसला बनाता है। और फिर नज़दीक के जो पत्थर है उस पे वो सबसे पहले अपने चोंच को मारना शुरू करता है। 1 बार 100 बार 50 बार 1000 बार मारता है। वहाँ पे उसे पेन होता होगा, चोंच पर पेन होता होगा, खून निकलता होगा, लेकिन उसे पता है कि चोंच तो तोड़नी पड़ेगी ताकि कुदरत नहीं देगी। और इसी तरह से वो अपने नाखूनों के साथ भी ऐसा ही करता है। वो अपने नाखूनों को पत्थरों से रगड़ 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 कर तोड़ देता है। ये चोंच तोड़ने के बाद और नाखून तोड़ने के बाद उसे नए नाखून और नई चोंच आती है। उसके बाद वो वहीं पर नहीं रुकता है, वो नई चोंच से अपने पंखों को भी नोच नोच के उखाड़ देता है, तोड़ देता है। और उसके कारण उसे उस टाइम भी पीड़ा होती होगी, उससे दर्द होता होगा, उसे पेन होता होगा, लेकिन उसे पता है कि कुदरत नए पंख भी देगी। और फिर उसके नए पंख आते हैं, उसकी नई चोंच आती है और उसके नए नाखून भी आ जाते हैं। ये सारा प्रोसेस उसे करने में तकरीबन 6 महीने के समय का लगता है टाइम, फिर भी वो करता है। और 6 महीने के बाद वो नया बाज बन के उभर आता है और फिर से वो अपनी उड़ान भरता है। तो दोस्तों, अगर वो एक पक्षी को भी पता है कि कुछ पाने के लिए आहुति देनी पड़ेगी, पेन सहन करना पड़ेगा, पेन को फील करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, तो आप तो इंसान हो। तो क्या आप अपने सपनों के लिए अपने आप की आहुति नहीं दोगे? क्या आप अपने सपनों के लिए अपने आप को झोंक नहीं दोगे? अगर झोंकोगे नहीं तो कुछ पाओगे नहीं। आपके पास भी हमेशा दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कि सबसे जो 5 साल है शुरू के वो कंफर्टेबल जीवन जियो और बाकी की जिंदगी अनकंफर्टेबल जीवन गुजारो, या फिर जो 5 साल है इसे अनकंफर्टेबल पेन, अपने फोकस, अपने जो सपने हैं उस पे फोकस करो, अपने गोल पर अपने आप को झोंक दो, पेन फील करो और बाकी के पूरी जिंदगी आप कंफर्टेबल जियोगे। तो दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू वेरी मच।